नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो गुवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गनी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमंगदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुदकेवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर पुण्य पाप के भाव सब हे आश्रव दुखकार यह आत्म आश्रव रहित परम धर्म सुखकार। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समय सार परमागम आश्रव अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। अभी जितनी अपन ने चर्चा पढ़ी उसके आधार से हम यदि इस अधिकार का सार एक वाक्य में कहना चाहें या ये कहे कि इस अधिकार में क्या कहना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं, वो क्या बताएंगे? प्रश्न नहीं आए समझ में। इस अधिकार में क्या कहना चाहते, क्या सिद्ध करना चाहते हैं और बार बार क्या बात आ रही है, क्या बात आ रही है ना? हाँ, मैं ये तो प्रेरणा वाली बात सुनी, लेकिन भावार्थ निकाल इसमें क्या कह रहे हैं, क्या सिद्ध कर रहे हैं? आत्मा सब आत्मा ज्ञानी माने ज्ञानी निराश्रव है, ये सिद्ध कर रहे हैं पुनः पुनः कि ज्ञानी निराश्रव। अभी 169 चलेगी ना गाथा, है ना? अब उसके आगे थोड़ा सा देखिए 169 के बाद 170-171 आगे की गाथाएं हैं, उसके उत्थानी का देखिए आगे। कथम ज्ञानी निराश्रव इति चेत, अब यहाँ तक समझाने का प्रयास किया कि ज्ञानी निराश्रव है, फिर भी समझ में नहीं आया तो क्या प्रश्न पूछा? कथम ज्ञानी निराश्रव इति चेत, कैसे ज्ञानी निराश्रव कैसे हो सकता है, ये प्रश्न किया। तो उसका उत्तर दिया आगे 70-71 गाथा में, तर्क नया तर्क और दिया। लेकिन उसके बाद आगे देखिए फिर से 172 में फिर देखिए, एवं सती कथम ज्ञानी निराश्रव इति चेत। ठीक है, आपने समझा दिया, लेकिन ऐसा होने पर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे है? फिर पूछते हैं, मैंने अभी बात पूरी समझ में नहीं आई। ये तो अमृतचंद्र आचार्य ने उत्थानिका लिखी है, गाथाओं में क्या चर्चा आगे करते जा रहे हैं उसके हिसाब से। लेकिन कुंदकुंद आचार्य ने वो ज्ञानी के निराश्रवपने के तर्क और नए नए बराबर आगे देते गए हैं, इसलिए पुनः ये चर्चा की गई है। आगे जो 173 से 176 गाथाएं, चार गाथाओं का समूह है, इसकी उत्थानिका कलश के रूप में है। अब वो कलश के लिए भी आप यदि भाव देखेंगे ना, उसकी दूसरी पंक्ति 117 नंबर का कलश है। कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमेव इति चेन्मति, कुतो निराश्रवो ज्ञानी, ज्ञानी निराश्रव कैसे, मैंने नित्य ही निराश्रव ऐसा कैसे इति चेत, यदि ऐसा प्रश्न करे फिर समझाते हैं। मैंने पूरे अधिकार में इसी की बात चल रही है और फिर आगे तो समझा दिया गया है कि ज्ञानी की स्थिति क्या है जिस कारण से
वो ज्ञानी निराश्रव कैसे हैं, इसी बात की चर्चा पूरे अधिकार में चल रही है। यदि ज्ञानी निराश्रव है, निराश्रव माने क्या होगा? आश्रव से रहित। कौन से आश्रव से रहित? कौन से आश्रव से? यदि निराश्रव है तो कौन से आश्रव से रहित? तो आश्रव कितने प्रकार का, कितने प्रकार का आश्रव यहाँ चर्चा चल रही है ना, यहीं के हिसाब मैंने यहीं के प्रकरण के अनुसार ही बात कर रहा हूँ। ये दो प्रकार का आश्रव कहा, कौन कौन सा? द्रव्याश्रव और भावाश्रव। यदि ज्ञानी निराश्रव है तो दोनों प्रकार के आश्रव से रहित होना चाहिए ना, भावाश्रव से भी रहित होना चाहिए और द्रव्याश्रव से भी रहित होना चाहिए। तो यहाँ 168वीं गाथा में भावाश्रव से रहित ये बात सिद्ध की है, और अब 169वीं गाथा में वह द्रव्याश्रव से रहित है ये बात सिद्ध करेंगे। 169वीं गाथा की उत्थानिका क्या लिखी है? अथ ज्ञानीनो द्रव्याश्रवाभावं दर्शयति। अब ज्ञानी के द्रव्याश्रव का अभाव है ये दिखाते हैं, बताते हैं, स्पष्ट करते हैं, माने ज्ञानी के द्रव्याश्रव का अभाव है। अब पिछली गाथा में क्या कहा, उसमें तो नहीं लिखा भावाश्रव का अभाव है, लेकिन लिखा क्या? रागादि असंकीर्ण भाव संभवम दर्शयति। रागादि से रहित भाव होता है, और रागादि से रहित भाव, तो रागादि भावाश्रव है और उससे रहित भाव माने भावाश्रव का अभाव, इसलिए वो 168 गाथा में भावाश्रव के अभाव की बात है। ये जरूर कि सीधा ज्ञानी की बात नहीं करी गाथा में, तो कुंदकुंड आचार्य ने एक उदाहरण दिया और उस उदाहरण के आधार से अपनी बात कही, उसमें से अमृतचंद्र आचार्य ने ये बात निकाली कि जैसे फल वृक्ष से पृथक होने के बाद नहीं जुड़ता, वैसे ही उदय में आकर के जो कर्म चला गया वह पुनः कर्म भाव को प्राप्त नहीं होता, अर्थात पुनः जीव से जीव के साथ नहीं बंधता। लेकिन वो कर्म पुनः जीव के साथ नहीं बंधता वो किसे? ज्ञानी की बात है। और क्यों ज्ञानी की? क्योंकि ज्ञानी के राग द्वेष मोह के भाव नहीं है, उससे रहित भाव है, तो इसका मतलब ज्ञानी के भावाश्रव का अभाव है। तो 168वीं गाथा में भावाश्रव के अभाव की बात की गई थी, भावाश्रव से रहित है, और 169 गाथा में द्रव्याश्रव से रहित की बात सिद्ध कर रहे हैं। और इस तरह दोनों प्रकार के आश्रव से रहित है, इसलिए ज्ञानी कैसा है? निराश्रव है। इधर की लाइट चला देना, अंधेरा दिख रहा है पूरा। और इसके उपसंहार का जो कलश है 115वां, इस कलश में दोनों की बात समेटेंगे, ज्ञानी भावाश्रव द्रव्याश्रव इन दोनों से भिन्न है। ये एक तरह से समझ लीजिए 68 और 69 दोनों गाथाओं के उपसंहार के रूप में ये अगला कलश इसके बाद का जो है वो आएगा, उसमें दोनों आश्रव की आश्रव से रहित होने की बात करेंगे। अभी तो द्रव्याश्रव से रहित कैसे हैं ये बात निकालते हैं। अब ये इसमें देखिए बात तो कही गई है ज्ञानी की, ज्ञानी के द्रव्याश्रव का अभाव है, लेकिन ये बात पहले बात करते हैं ज्ञानी, ज्ञानी शब्द का क्या अर्थ होता है? ज्ञानी माने ज्ञानी, अच्छा ज्ञानी शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं? ज्ञानी शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो ज्ञानी शब्द का अर्थ है जिस जिसमें ज्ञान पाया जाए वो ज्ञानी, जिसमें ज्ञान नहीं पाया जाए वो अज्ञानी, ज्ञान से रहित। तो किस किस में ज्ञान पाया जाता है? किस में पाया जाता है? सब जीवों में पाया जाता है।
यदि ये अर्थ करते हैं तो सब जीव ज्ञान वाले कहलाते हैं, और वो ज्ञानी का अर्थ यदि सभी जीव लिए जाए तो जो गाथा में बात कही जा रही है वो सब जीवों पर घटित होती है। सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे तो सब जीवों पर घटित हो जाएगी, परंतु यहाँ ज्ञानी कह करके किसकी बात ली गई है? सम्यक दृष्टि की ली है। और ज्ञानी का अर्थ क्या हो सकता है? केवल ज्ञानी, पूर्ण ज्ञानी की अपेक्षा से केवल ज्ञानी। यानी वो केवल ज्ञानी के तो द्रव्याश्रव का अभाव ही है, केवल ज्ञानियों के तो उनके लिए तो शंका ही नहीं है। हाँ, उनमें कह सकते हैं कि उनको जो कौन सा आश्रय होता है, ईर्ष्यापत आश्रय, वो हो रहा है, उसको गौण कर दिया जाए, वो है ही नहीं, आश्रय जैसे ही नहीं है, इसलिए छोड़ दिया जाए, तो उनके तो आश्रय का अभाव ही है। तो रही बात वास्तव में सम्यक दृष्टि ज्ञानी की है, तो वो निराश्रव कैसे हैं, इसी की मुख्यता से बात है। लेकिन जो बात कही जा रही है, जो तर्क दिया गया है गाथा में भी और टीका में भी, वो दोनों से तो वो बात सब जीवों पर घटित होती है। जब सब जीवों पर घटित हो रही है तो हम फिर उसे अकेले सम्यक दृष्टि ज्ञानी पर कैसे समझे, क्यों समझे? तो वो बात भी अपन पढ़ करके करते हैं, गाथा पढ़ते हैं पहले। बोलिए एक साथ ही, पुड़वी पिंड समाना पूव निबद्धा दुपच्चया तस् कम शरीरेण दुते बद्धा सव्ये विनानिस सव्ये विनानिस। वैसे सव्ये शब्द तो इधर लगेगा, सव्ये पूर्व निबद्धा, जो पूर्व बद्ध सभी कर्म है वे सर्व उसके साथ लगेगा, लेकिन नानिस ज्ञानी के पूर्व निबद्धा दुपच्चया, पूर्व निबद्ध जो प्रत्यय है, प्रत्यय माने कर्म, चूंकि वे विचार की मुख्यता से बात लेना चाहते हैं इसलिए प्रत्यय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, द्रव्य कर्म। और चूंकि वे पहली गाथा से ही मिथ्यात्व विरति कषाय योग इनकी बात करते हैं इसलिए वो प्रत्यय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो जीव के साथ पूर्व निबद्ध है, पूर्व निबद्ध माने पूर्व में भूतकाल में बंधे, जब भूतकाल में जीव ने विकारी भाव किया था तब जो बंधे थे, ते पूर्व निबद्धा पच्चया, वे है कैसे? तस्स नानिस, उस ज्ञानी के ये कैसे हैं? ये पुड़वी पिंड समाना, ये पृथ्वी पिंड के समान है, पृथ्वी पिंड के समान। तो पृथ्वी पिंड को, तो पृथ्वी का पिंड ऐसा लगेगा जैसे अभी अपने को लगेगा जैसे सौर मंडल में बहुत सारे अलग अलग, क्या अंग्रेजी में कहे, प्लैनेट्स है, जैसे अभी लटक रहे ना यहाँ भी, ऐसे उसमें भी एक अर्थ, वे भी सब अर्थ को भी एक प्लैनेट मानते हैं ना, अब वैसे एक पिंड तो वो पृथ्वी, वो उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पर। अपने दिमाग में तत्काल वो आता है गोल घूमने वाली वो पृथ्वी, और उसको यहाँ पिंड कहा जा रहा हो, उसकी बात नहीं है यहाँ पृथ्वी कह करके। इसलिए बिल्कुल सीधा हिंदी अर्थ करते समय वो मिट्टी का ढेला पृथ्वी के ढेले के समान, और पृथ्वी कह करके ये बिल्कुल मिट्टी के ढेले के समान है, पृथ्वी पिंड का मतलब मिट्टी के ढेले के समान है। तो पूर्व के बंधे हुए वे प्रत्यय उसके, उस ज्ञानी के मिट्टी के ढेले के समान है। ये मिट्टी के ढेले के समान कहकर के क्या कहना चाहते हैं? ये मिट्टी के ढेले के समान कहकर ये कहना चाहते हैं जैसे मिट्टी का ढेला बाहर पड़ा हुआ है, वो हमारा क्या बिगाड़े लगा, क्या करेगा, क्या कर रहा है, पड़ा है अपनी जगह, तो हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं करता ना, तो कुछ भी बिगाड़ नहीं करता है, पड़ा है अपनी जगह। वैसे ही वे जो पहले के पूर्व निबद्ध कर्म है वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ करते, वो बिल्कुल मिट्टी के ढेले के समान है।
कुछ बिगाड़ नहीं करते हैं, तो अभी हम संसार में क्यों बैठे हुए हैं? हमें बांध करके तो रखा हुआ है ना, बंधे बांध करके तो रखा है, ये उन्होंने नहीं बांधा है। वो जो पहले के बंधे हुए है ना, ये उन्होंने नहीं बांधा है। तो किसने बांधा? वो आयु कर्म है ना, वो उसमें प्रति समय जो उदय आ रहा है, वो उस उदय के अनुसार, और सब कर्मों के उदय जो उदय आते हैं वे कार्य करते हैं, बाकी नहीं काम करते हैं। सेना में भर्ती करते हैं ना, बहुत सेना में भर्ती करते हैं। पहले जमाने में जबरदस्ती भर्ती किए जाते थे, और भर्ती करने के लिए गांव-गांव जाकर के लोग युवाओं को सबको इकट्ठा कर लेते थे। तो युवा जैसे ही गांव में, इसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता था, क्या होती थी, रंगरूट होती थी, यानी वो भर्ती करने के लिए गांव में आते थे और सारे युवाओं को जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके ले जाते थे। तो एक गांव में मालूम चला कि यहाँ रंगरूट होने वाली है, युवाओं की सबकी धरपकड़ होने वाली सेना में भर्ती करने के लिए, तो सब युवा भाग जाते थे वहाँ से, जंगल में इधर उधर सब भाग जाए ताकि पकड़ में नहीं आए। तो एक भाग रहा था, दूसरा चुपचाप बैठा हुआ था। अब एक से पूछा, भागने वाला मित्र था उसका, बोले चलो भागो जल्दी से, नहीं तो सेना में भर्ती कर लेंगे। तो दूसरा निश्चिंत था, चुपचाप बैठा था, भागो जल्दी नहीं तो पकड़ लेंगे अपने सबको। बोले क्या चिंता है? बोले तुम्हें चिंता नहीं है, पकड़ लेंगे, सेना भर्ती कर देंगे। तो ये तो सब भाग रहे हो, तुम बिल्कुल चुपचाप बैठे हो। बोले क्यों बैठे हो चुपचाप? उसने कहा जरा सोचो, तुम सबको पकड़ लेंगे, हमको भी पकड़ लेंगे, तो पकड़ने मात्र से सेना में भर्ती कर देंगे क्या? सेना में भर्ती हो जाएंगे क्या? ऐसे पकड़ लिया, इकट्ठे करके ले गए, तो तत्काल सेना में भर्ती तो नहीं होते हैं, क्या होती हैं? उनकी पूरी जांच होती है, और सब तरह से करते हैं ना, तुम्हारे शरीर की भी जांच होगी, क्षमता की जांच होगी, ऊंचाई मोटाई सब नापी जाएगी, दौड़ लगाएंगे, और उसमें जो पास होंगे उनको भर्ती करेंगे। तो बताओ, अपन सब चले गए और वहीं फेल हो गए तो बात खत्म होगी ना, क्यों चिंता करते हो? अब वो दूसरा मित्र कहने लगा, नहीं उसमें पास हो गए और आगे चले गए तो, अरे यहाँ से ऐसा करके ले भी गए ना तो भी वहाँ फिर ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देंगे, और उस ट्रेनिंग में पास नहीं हुए तो वो फिर भर्ती नहीं करेंगे। और फिर कहता है वो कि उसमें भी पास हो गए तो क्या हो गए? चले गए कि वहाँ जाने के बाद भी सबको लड़ाई में तो भेजते नहीं हैं, सबका नंबर लड़ाई में थोड़ी लगता है, वो रिजर्व भी रहते हैं बहुत से, तो अपन रिजर्व में रहे तो क्या चिंता है, बैठे रहेंगे आराम से, लड़ाई में तो जाना नहीं पड़ेगा। अब कहता है फिर भी लड़ाई में नंबर लग गया तो क्या हो गया? वहाँ चले गए, वो वहाँ लड़ाई में भी चले गए तो सबसे आगे हमको थोड़ी खड़ा करेंगे, कहीं पीछे खड़े हुए तो क्या चिंता है उसमें। और फिर कहता है आगे, सबसे आगे ही अपने को खड़ा किया तो क्या हुआ? सामने वाला गोलियां चला रहा है, वो गोली हमको ही लगेगी, इसकी कोई गारंटी है क्या? हमको ही लगेगी क्या? कोई जरूरी है क्या? क्या चिंता करते हैं? अब आखिरी पूछा उसने, अब गोली हमको लग गई तो फिर चिंता करने के लिए हम कहाँ रहेंगे? गोली लग गई तो चले ही गए, फिर किसको चिंता है? तो जो ऐसा सोच रहा होगा वो निश्चिंत बैठा रहता है ना। यहाँ तो उसमें से सिर्फ इतना लेना है, वो इतनी जो सेना होती है ना पूरी, अब उस सेना में से वो सिर्फ जो सीधी वहाँ लड़ाई पे रहती है, वो अभी अभी समझो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बहुत चलता है, तो बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए जो खड़े हुए हैं वे काम कर रहे हैं, वे काम आ रहे हैं, बाकी के क्या काम आ रहे हैं? बैठे हुए हैं। हाँ ये है कि भविष्य में आएंगे काम, जरूरत पड़ेगी तब आएंगे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जहाँ जहाँ है अपनी अपनी जगह
बैठे हुए हैं, जहाँ है वहाँ है अपनी जगह। माने वो सीधा जो फ्रंट पे आते हैं वे काम करते हैं, बाकी कुछ काम नहीं करते। तो बाकी के जो है ऐसा भी समझ लीजिए बिल्कुल हमारे तुम्हारे जैसे हैं। क्या है, जैसे हम तुम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, वे अपनी जगह बैठे हुए हैं। ये अलग बात है कि वे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सन्नद्ध रहते हैं, ये अलग बात। लेकिन तत्काल तो वे कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही कह रहे, जो पहले के बंधे हुए कर्म वे कुछ नहीं बिगाड़ते, बस पड़े हुए हैं, सत्ता में पड़े हुए हैं, वे के मिट्टी के ढेले के समान है। तो क्या कर रहे हैं वे, तो नीचे की पंक्ति में लिखा, कम्म शरीरे नदु ते बद्धा सव्वे। वे जो सारे हैं वो कारमान शरीर से, अपने कितने शरीर हैं, कितने शरीर हैं, मैं पीछे क्या नाम तुम्हारा, तुम्हारे पीछे जोर से बोलो, नाम पूछ रहा हूँ पहले तुम्हारा, पीयूष। कितने शरीर हैं अपने 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 लिए, अभी हमारे कितने शरीर है, अभी तत्वार सूत्र पढ़ा ना, पहला अध्याय तो पढ़ ले, दूसरा अध्याय नहीं पढ़ा, लघु सिद्धांत प्रवेशिका में तो आ गया ना, शरीर की चर्चा तो आ गई, शरीर नहीं है शरीर, लघु सिद्धांत, अच्छा कनिष्ठ में नहीं है अभी, हमने शरीर पांच होते हैं ना, ये तो बता दिया इसने, कौन कौन से पांच, पीछे पीछे उसी पूछ रहे, अंतिम कौन सा, कार्मन, ये कार्मन शरीर की बात करना ना, इसलिए कार्मन तक पहुंचना ना, क्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया, औदारिक वैक्रियक तेज आहारक तेजस और कार्मन। अब इसमें से हमारे कितने हैं, अभी तीन है, कौन कौन से, ये औदारिक शरीर जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये औदारिक शरीर, और दूसरा तेजस शरीर इस पर जो तेज दिखाई दे रहा है, और कार्मन शरीर, वो जो तीसरा कार्मन शरीर है, आठ कर्म का अनादि काल से जो बंधन हमारे साथ में कार्मन शरीर, वो कार्मन शरीर कहलाता है। तो जो नए कर्म आते हैं या पहले के बंधे हैं, वे कहाँ बंधे, वो उस कार्मन शरीर से बंधे हुए हैं। यही बात जब अबद्ध स्पृष्ट की बात समझाते ना, आत्मा कैसा है, अबद्ध स्पृष्ट है, और अबद्ध स्पृष्ट माने कर्मों से बंधा नहीं, कर्मों ने छुआ भी नहीं, तो बंद तो रहे ना प्रति समय कर्म, वो कर्म बंद तो रहे हैं, लेकिन कहाँ बंद रहे हैं, क्या उदाहरण देते ख्याल में है, गाय को रस्सी से बांधा, गाय को हमने रस्सी से बांध दिया, तो गाय को रस्सी से बांधा, तो वास्तव में गाय को रस्सी से बांधते हैं नहीं बांधते, किससे किसको बांधते हैं, रस्सी से रस्सी को बांधते हैं, वो कहा ये जाता है गाय को रस्सी से बांधते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं, गाय की पूंछ पकड़ी और ये रस्सी पकड़ी, पूंछ इसलिए कि वही बांधने में आ सकती है गांठ लगाने में, और तो कुछ आएगा नहीं गांठ लगाने में, तो ऐसा तो करते नहीं है, रस्सी को रस्सी में बांधते हैं। तो वैसे ही जो भी नए कर्म आते हैं वो किससे जाके बनते हैं, कारमन शरीर से बन, अब बंधने के बाद कहाँ बंधे रहते हैं, उसी कारमन शरीर में बंधे रहते हैं। कम्म शरीर नदु ते बद्धा सव्वे, वे सारे पूर्व में जितने बंधे हुए हैं वे उस कारमान शरीर के साथ बंधे हैं। ये कारमान शरीर के साथ बंधे ऐसा कह करके क्या कहना चाहते हैं, गाथा में मूल में नहीं ले, टीका में लिख दिया, ये कहना चाहते हैं उसका जीव के साथ क्या संबंध है, जीव के साथ कहाँ बंधे हुए, वे तो आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं रखते, कर्म शरीर के साथ बंधे हुए हैं, और वो बंधे हुए बिल्कुल मिट्टी के ढेले के समान है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, फिर तो निश्चिंत हो जाओ। जब समय वो यदि निश्चिंत हो गए ना उनसे, तो वे सब कहते हैं अभी नहीं, समय आने दो फिर बताता हूँ, अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय आए तब बता दो, क्योंकि उदय में आने पर नहीं छोड़ते हैं, उदय में आने पर तो अपना अपना काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो पूर्व निबद्ध की बात कर रहे हैं, जो पूर्व निबद्ध है वे बिल्कुल मिट्टी के ढेले के समान है। तो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं,
नानिस ज्ञानी के लिए। अब ज्ञानी के लिए कह रहे हैं, सब सब जीवों की भी तो यही स्थिति है ना, सभी जीवों के जितने कर्म हैं वे कारमान शरीर से बंधे हैं, मिट्टी के ढेले के समान हैं, फिर ज्ञानी की बात क्यों कर रहे हैं? ज्ञानी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज्ञानी इस बात को अच्छी तरह से जानता है, पहचानता है, मानता है। हम इस बात को जानते पहचानते नहीं है, मानते नहीं हैं। हम तो यही मानते हैं, हम तो संसारी है, कर्म से बंधे हुए हैं। आगे चर्चा आने वाली है, गए शुद्ध ने मोक्ष है, तजे शुद्ध ने बंध है, गए शुद्ध ने मोक्ष, या निचोड़ इस ग्रंथ को, यही परम रस पोक। तजे शुद्ध ने बंध है, गए शुद्ध ने मोक्ष। शुद्ध ने का ग्रहण करेंगे तो मुक्ति, और छोड़ेंगे तो बंध है। तो शुद्ध ने ये कहता है कि आत्मा अबद्ध स्पृष्ट है, चौथवी गाथा में का शुद्ध ने अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष जानना, उसका नाम शुद्ध ने। तो जो शुद्ध ने का आश्रय करते हैं वे अपने आप को अबद्ध स्पृष्ट अनुभव करते हैं, नाम कर्मों से बंधे हैं, कर्मों ने हमको स्पर्श भी नहीं किया। जो जो ये अनुभव कर रहे हैं तो कहाँ है फिर कर्म बंधे तो है ना, बोले बंधे होंगे, कहाँ बंधे हैं कि कारवान शरीर के साथ बंधे हैं, हम तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हैं। ये ज्ञानी अनुभव कर रहे हैं इसलिए ज्ञानी के लिए कह रहे हैं, और अज्ञानी ये अनुभव कर रहा है मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं तो बंधा हुआ हूँ। दूसरा उदाहरण ख्याल में ना, वो ऊँट के बांधने का रस्सा गिर गया था, खूंटी रस्सी गिर गई थी, तो उसने क्या किया था, जिसकी रस्सी खूंटी गिर गई थी वह उसको नकली खूंटी गाड़ने की रस्सी बांधने की एक्टिंग कर दी थी, और एक्टिंग की और ऊँट बराबर बैठा रहा, गया नहीं। क्यों नहीं गया? बंधा नहीं था, लेकिन मैं बंधा हूँ ये मान लिया उसने। वो ऐसे ही वास्तव में हम नहीं बंधे, द्रव्य स्वभाव से बात करे, हमारा स्वभाव कैसा, वो तो चूंकि टोडरमल जी को संसार अवस्था दूसरे अधिकार मोक्षार प्रकाशक के दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का वर्णन करना था, इसलिए उन्होंने तर्क युक्ति से बात सिद्ध की। क्या बात सिद्ध की? वहाँ प्रश्न खड़ा किया शिष्य ने, आत्मा अमूर्तिक है, अमूर्तिक कर्मों से कैसे बन सकता है, अमूर्तिक आत्मा है और मूर्तिक कर्मों से कैसे बनता है? तो ये जब हम द्रव्य स्वभाव से बात करते हैं तो इस बात को मुख्य करना, अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कर्मों से कभी बंध ही नहीं सकता, अमूर्तिक मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए न स्पर्श करता है न बंधता है। टोडरमल जी ने सिद्ध कर दिया कि हम बनते हैं, जैसे नहीं दिखाई देने वाले परमाणु और दिखाई देने वाले जो परमाणु स्कंद है, स्कंद के साथ उनका बंधन देखा जाता है, तो नहीं दिखाई देने वाले समझो भी अमूर्तिक जैसे उदाहरण के लिए, और जो दिखाई देने वाले मूर्तिक तो उनका जैसे बंधन होता है वैसा ही अमूर्तिक आत्मा के साथ बंधन। फिर उन्होंने कहा उसमें करते क्या है, अमूर्तिक आत्मा अमूर्तिक रूप रहता है, मूर्तिक मूर्तिक रूप रहते, सिर्फ एक क्षेत्रावगा रूप संबंध है, उतना ही मात्र बंधन है, इसके अलावा कोई बंधन नहीं है। वो जो एक क्षेत्रावगा रूप संबंध हुआ उसमें अज्ञानी ये मानने लगता है कि मैं ही बंधा हूँ, मेरे ही कर्म है। तो जो ये अनुभव कर रहा है कि मेरे कर्म, मैं तो कर्म से बंधा, मेरे कर्म, तो उसके अभाव कैसे कहलाएगा, उसके तो पड़े है ना, वो मान ही रहा है, स्वीकार कर रहा है। ज्ञानी इस बात को नहीं स्वीकारता, पीछे कलश आया मेरे ख्याल से चौदहवीं गाथा के बाद ही होगा, भूतम भांतम भूतमेव रवसा निर्विद्य बंधम सुदी यद्यंत किल कोप्यहो कलयति व्याहत्य मोहम हटात आत्मा आत्मानुभवैक गम्य महिमा व्यक्तोयमास्ते ध्रुवम नित्यम कर्म कलंक पंक मुकला देवः स्वयं शाश्वतः। वो ज्ञानी अंतरंग में अभ्यास करता है, गुरुदेव के सीढ़ी में आना तो अभ्यास करता है, अभ्यास की बात आ रही थी, अभ्यास माने क्या, ये नित्यम कर्म कलंक पंक विकला देवः स्वयं शाश्वतः, ये मोहम व्याहत्य हटात, माने अंतरंग में ज्ञानी निरंतर ये अभ्यास करता है, माने निरंतर पुनः पुनः
इसी का चिंतन मनन, इसी का घोलन चलता है कि मैं तो नित्य कर्म कलंक पंक विकला, कर्म के पंक से बिल्कुल रहित ही हूँ, देवा स्वयं शाश्वता शाश्वत देव हूँ। जो ज्ञानी ये अनुभव कर रहा है, कहाँ है द्रव्याश्रय उसके लिए, कहाँ है द्रव्याश्रय का सद्भाव, ये है ना वो क्या बिल्कुल मुक्त हो गया क्या, सिद्ध हो गया क्या, नहीं है तो सही, तो कहाँ है कि ले कर्मान शरीर के साथ बंधा हुआ है वो जो अपने आप को चैतन्य स्वरूप अनुभव कर रहा है वहाँ कहाँ है। इसलिए कहते वो ज्ञानी के नहीं है, इसलिए ज्ञानी का अर्थ सम्यक दृष्टि लेना है, भेद विज्ञानी लेना है। वैसे द्रव्य स्वभाव से तो सभी जीवों के लिए, हमारे लिए भी है, ये हम कहाँ स्वीकार कर रहे हैं, और ज्ञानी ने इस बात को स्वीकार किया इसलिए उसके लिए, और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो पुड़वी पिंड इसलिए पृथ्वी के ढेले के समान है। देख गाथार्थ पढ़ते नीचे, उस ज्ञानी के पूर्वबद्ध समस्त प्रत्यय पृथ्वी माने मिट्टी के ढेले के समान है, और वे मात्र कार्मन शरीर के साथ बंधे हुए हैं, यदि बंधे भी है कहलाते हैं तो कार्मन शरीर के साथ बंधे हुए हैं। गाथा पद्यानुवाद पुनः एक बार बोलते हैं, पुड़वी पिंड समाना पूर्णिबद्धार्दुपच्चयातस कम्म शरीरेण दुते बद्धा सव्वे विनाणिस, जो बंदे थे भूत में वे कर्म पृथ्वी पिंड सम, वे सभी कर्म शरीर से हैं बद्ध सम्यज्ञानी के। गाथा में और पद्यानुवाद में क्या अंतर है, गाथा में नानिस से लिखा है और पद्यानुवाद में सम्यक ज्ञानी के लिखा है, क्योंकि भाव लिया ना उसको, इसलिए वो शब्द से अर्थ करते तो ज्ञानी के कहते अकेले, लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी की बात है इसलिए सम्यक ज्ञानी कर दिया। पूर्व निबद्धा, पूर्व में जो बंधे थे वो उनकी बात है, तो पूर्व में अभी टीका सामंत छोटी सी टीका है, चर्चा अपन ने सब कर ली है। पूर्व में बंधे थे ये मिट्टी के ढेले के समान है, इसको हम कहेंगे अब आप उसमें आके पढ़ेंगे गुणस्थान जब पढ़ेंगे तब, दस करण कर्म की दस अवस्थाएं होती है ना, वो मुख्य रूप से उसमें तीन अवस्थाएं, एक बंधना, बंधते हैं ना, नहीं बंधते रहते बंधना बंधन, और दूसरा बंधने के बाद सत्ता में पड़े रहते हैं वो सत्व, और अपना अपना समय आने पर उदय में आते हैं वो उदय, तो बंध सत्व उदय, वो सभी गोमटसार में सब चर्चा आती है कितने बंधन के योग्य है, सत्ता में कितने रहते हैं, उदय कितने का आता है, वो सब सत्व योग बंध योग उदय योग सबकी प्रकृतियां होती है। यहाँ बात करी अभी 169वीं गाथा में जो सत्व सत्ता में पड़े हुए हैं, जो सत्ता में पड़े हुए पहले के सब बनते बंधे जाते हैं, और वे सब आबादा काल होता है एक बंधे, उसके बाद एक उनका अपना अपना निश्चित इतना काल रहता है, उतने काल तक उदय में नहीं आएंगे, उदय में नहीं आ सकते आबादा काल, उतना काल तक आबादा जीव को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते, वो उतने देर तक वैसे ही बिल्कुल सत्ता में पड़े रहेंगे, फिर उसके बाद से उदय आना शुरू होता है, जितनी उनकी स्थिति होती तब तक वे क्रमशः फल देते रहते हैं वो उदय कहलाएगा। वो जो सत्ता में पड़े हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो मिट्टी के ढेले के समान है, कुछ नहीं करते हैं, बाधा नहीं पहुंचाते, लेकिन जो उदय में आते हैं वे तो बाधा पहुंचाते हैं ना, वे तो बाधा पहुंचाएंगे, तो ज्ञानी के भी तो उदय में आ रहे हैं, अब वो तो द्रव्याश्रव वो तो बाधा पहुंचाएगा, फिर तो द्रव्याश्रव को कारण कहो उनको, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर द्रव्याश्रव का अभाव कहाँ हुआ, तो वो पिछली गाथा में बता दिया, 168वीं गाथा में वो बात बता दी, वो उदय में आए और चले गए जैसा पका हुआ फल गिर गया फिर नहीं जुड़ता है, बस चले गए फिर से नहीं जुड़े, तो क्या किया उन्होंने, वो ज्ञानी का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सके, इसलिए वो उदय में आने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया,
उदय में आने पर ज्ञानी उससे जुड़ता, ये चर्चा सब आगे आने वाली है। कर्म भी उदय में आने पर भी वे तो तब बिगाड़ करते हैं, उसको वहां शब्द दिया उपयोग के प्रयोग के अनुसार, जैसा हम अपने उपयोग का प्रयोग करेंगे वैसा वे आपके सुख दुख के लिए कारण बनेंगे। तो ज्ञानी अपने उपयोग का प्रयोग क्या करता है, तो ज्ञानी इनको स्वीकार ही नहीं करता है, उनका लक्ष्य ही नहीं करता है, तो आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए पुनः नहीं बनते। तो इसलिए ज्ञानी के उदय में आने पर भी कुछ बिगाड़ नहीं करते, तो इस वजह से वो निराश्रव है। द्रव्याश्रव से सदैव निराश्रव, द्रव्याश्रव उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, तो चाहे वह सत्ता में पड़े रहे चाहे उदय में आए। और यहां तो कह रहे नए बंधते ही नहीं ना, इसलिए बंद की बात नहीं है। ये सारी चर्चा मिथ्यात् और अनंतानुबंधी संबंधी समझ लेना, इसलिए प्रारंभ में बहुत विस्तार से बात कर दी थी कि 41 प्रकृतियों की बात है, बाकी जो हो रही है बंद रहे हैं, इन अनंत संसार के लिए कारण नहीं है, वो बिगाड़ी नहीं करने वाले, इसलिए उनको गौन करके ही बात करते हैं। चलिए टीका देखिए। ये खलु पूर्वम अज्ञानेन बद्धा मिथ्यात्व अविरति कषाय योगा द्रव्याश्रव भूता प्रत्यया ते ज्ञानिनः। अब यहां ज्ञानी का अर्थ सम्यक दृष्टि ज्ञानी क्यों लगाना, ये ख्याल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले बात कह रहे हैं ये खलु पूर्वम अज्ञानेन बद्धा, पहले जो अज्ञान के कारण से बंधे थे, अब ते ज्ञानिनः, अब वो ज्ञानियों के लिए, यदि वो अज्ञानियों की बात करना होती ना तो फिर वो अज्ञानी लिखते हैं, ये वो अज्ञानी की नहीं, अब ज्ञानी सम्यक दृष्टि की बात करनी, इसलिए वो ज्ञानी ना कह रहे हैं। पूर्व में अज्ञान से बंधे हुए, अज्ञान से बंधे हुए क्यों, ज्ञानी के भी जब बनते हैं तो अज्ञान से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें सबसे पहले मिथ्यात्व लिखा है, मिथ्यात्व अविरति कषाय योगा द्रव्याश्रव भूता प्रत्यया, नहीं तो उसमें से मिथ्यात्व छोड़ो, तब तो फिर अज्ञान ही नहीं कह सकते ना। तो उस मिथ्या दृष्टि के जो अविरति कषाय योग जो बंद रहे हैं वे सब मिथ्यात्व पूर्वक ही बंद रहे हैं, इसलिए मिथ्या दृष्टि की बात लेते हैं। तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पूर्व में ये जो चार प्रकार के द्रव्याश्रव भूता प्रत्यया, ये द्रव्याश्रव भूत जो प्रत्यय पूर्व में बांधे थे बद्धा, वो बंधे थे तो उसे द्रव्याश्रव भूत क्यों कह रहे हैं, जो पूर्व में बंधे थे अब तो बंध में चले गए ना, कल अपन ने चर्चा की थी ना, आते हैं उस समय आश्रव, अब बंध गए, अब बंधे रहे तो बंद हो गया वो, तो अब तो पहले के बंधे हुए की बात चल रही है तो उसको बंध ही कहना चाहिए ना, द्रव्याश्रव भूत ऐसा क्यों कह रहे हैं। दो अपेक्षा लेना इसमें, एक तो लेना ये कि ये आश्रव अधिकार है, आश्रव की बात करनी है, इसलिए अभी तो हम आश्रव की अपेक्षा से बात करेंगे, इसलिए आश्रव कहेंगे उनको, आश्रव अधिकार होने से बंद की बात आएगी, जब बंद की बात करेंगे एक तो उसके कारण से, दूसरा ये चूंकि पुनः नए आश्रव के लिए कारण बनते हैं इसलिए इनको आश्रव कहा था, नए जो कर्माश्रव में निमित्त बनते हैं इसलिए इनको आश्रव कहा गया था, इस अपेक्षा से द्रव्याश्रव होता। ऐसे ये जो प्रत्यय माने वे कर्म, वे ते ज्ञानिनो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी के लिए कैसे है कि द्रव्यांतर भूता, द्रव्यांतर भूत माने अंतर, अंतर माने इतर भिन्न, ये द्रव्यांतर है, वे स्वद्रव्य नहीं है, वे परद्रव्य है, उसके लिए परद्रव्य रूप है। क्यों परद्रव्य रूप है, अचेतन पुद्गल परिणामत्वात्, वे है क्या जड़ के हैं, अचेतन पुद्गल परिणाम वाले हैं, तो अचेतन पुद्गल परिणाम होने से ज्ञानी के लिए वो द्रव्यांतर भूत है। अच्छा, ज्ञानी के लिए द्रव्यांतर भूत है और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के लिए स्वद्रव्य रूप है, तो स्वभाव से तो उसके लिए भी द्रव्यांतर भूत है, लेकिन वो मानता नहीं है ना, मैं ही ऐसा हो गया, मैं ही संसारी हो गया, मैं ही बंध गया, ऐसा मानता है, इसलिए वो द्रव्यांतरभूत स्वीकार नहीं करता। तो ज्ञानी इस बात को बराबर स्वीकार करता है, जैसे बिल्कुल द्रव्यांतरभूत भिन्न द्रव्य है, अचेतन पुद्गल परिणाम वाले होने से। कैसे द्रव्यांतरभूत है कि पृथ्वी पिंड समान, जैसे बाहर एक मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे अन्य द्रव्य है,
कोई संबंध नहीं है। ते तो सर्वे अपि स्वभावत एव कार्मान शरीरे नैव संबद्धा न तु जीवेन। और वे सारे के सारे किससे बंधे हुए हैं? कार्मान शरीर से। क्यों? स्वभावे नहीं, उनका स्वभाव भी आकर के उसी के साथ बन सकते हैं। स्निग्ध रुक्षत्वात बंधा, उनमें परस्पर बंध किसका किसके साथ? पुद्गल का पुद्गल के साथ, जीव के साथ कैसे होगा? ये स्वभाव ही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे आकर के कार्मान शरीर से ही संबद्ध है, न तो जीवे न, जीव के साथ संबद्ध ही नहीं है। तो ज्ञानी बराबर इस बात को जानता है, वे आकर के कार्मान शरीर के संबद्ध है, जीव के साथ नहीं है। और मैं कौन हूं? मैं उससे भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व हूं, जीव द्रव्य हूं, ये बराबर स्वीकार कर रहे हैं। अतः स्वभाव सिद्ध एव द्रव्याश्रवा भावो ज्ञानिनः, इसलिए ज्ञानी के लिए द्रव्याश्रव का अभाव कैसा है? ये स्वभाव सिद्ध है, स्वभाव से ये ना भिन्न ही है। ये अगले कलश में यही कहने वाले हैं, द्रव्याश्रवेभ्य स्वतैव भिन्ना कहने वाले, स्वभाव से ही, उसमें क्या भिन्नता की बात करने की जरूरत क्या है? ये इस तरह से स्वभाव से भिन्न, स्वभाव सिद्ध भिन्नता है। तो ज्ञानी इस बात को स्वीकार करता है, इसलिए उसके द्रव्याश्रव का बिल्कुल भी अभाव है। अनुशीलन में जो थोड़ी विशेष बात की है उसकी चर्चा करके अपन पूर्ण करते हैं। 169 है ना, आत्मख्याति टीका हुई, उसके बाद नीचे एक प्रश्न खड़ा किया है। इसमें प्रश्न, ज्ञानी के मिथ्यात्व है ही कहाँ, जिसे यहाँ पृथ्वी के ढेले के समान बताया जा रहा है। तो ज्ञानी की सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं ना, तो उसके तो मिथ्यात्व अविरति कषाय ये सब की बात कर रहे, तो मिथ्यात्व भी जोड़ रहे हो आप उसमें, तो उसके तो है ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हो उसे? यह औपशमिक सम्यक दृष्टि और क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बात है, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि के तो द्रव्य मिथ्यात्व पौद्गलिक मिथ्यात्व की सत्ता ही नहीं है। क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का क्षय हो गया, उसके तो नहीं है सत्ता में। लेकिन जो औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि होगा, उदय में नहीं है लेकिन सत्ता में तो पड़ा हुआ है, तो उसके लिए बात करते हैं। वो सत्ता में तो पड़ा है, तो सत्ता में पड़ा है इसलिए मिथ्या दृष्टि हो गया क्या? नहीं होगा। कब होगा मिथ्या दृष्टि? उदय में आएगा तब, इसलिए जो सत्ता में पड़ा हुआ उसका बिगाड़ भी नहीं करता है। पृथ्वी के ढेले के समान का क्या अर्थ है? ये उदाहरण जो दिया ऐसा क्यों दिया? जैसे नाचार्य ने दूसरा उदाहरण भी दिया है आगे, जिस प्रकार पृथ्वी का ढेला आत्मा के अहित में निमित्त भी नहीं है, बिल्कुल निमित्त, बिल्कुल थोड़ा सा भी निमित्त नहीं, क्या बिगाड़ रहा है? कुछ नहीं बिगाड़ रहा। उसी प्रकार सत्ता में पड़ा हुआ द्रव्य मिथ्यात्व आत्मा को मिथ्या दृष्टि बनाने में निमित्त भी नहीं है। तो निमित्त भी नहीं है का मतलब क्या? वो उपादान माने बिगाड़ तो कर ही नहीं रहा, तो नहीं नहीं वो तो नहीं, आत्मा ही जब विकार होता है तो विकारी निमित्त बन जाता है, लेकिन निमित्त तो वो बनता है जो उदय में आ रहा है। तो सत्ता में पड़ा हुआ निमित्त भी नहीं, कुछ नहीं कर रहा। आचार्य जैसे ने इसी गाथा की टीका में सत्ता में पड़े हुए द्रव्य मिथ्यात्वादी कर्मों को पृथ्वी के पिंड के समान अकिंचित कर कहते हैं। मुट्ठी में रखे हुए विष का उदाहरण देकर भी इस बात को स्पष्ट करते हैं। क्या उदाहरण दिया दूसरा? मुट्ठी में रखे हुए विष के समान, वे लिखते हैं, यद्यपि उस ज्ञानी जीव के द्रव्य प्रत्यय मुट्ठी में रखे हुए विष के समान कार्मन शरीर के रूप में सत्ता में रहते हैं, तथापि उदय के अभाव में सुख दुख रूप विकृति के रूप में बाधा नहीं करते। इस कारण ज्ञानी जीव के नवीन कर्मों का आश्रव नहीं होता। ये द्रव्याश्रव के अभाव में एक बात ये भी लिखी है, नए नवीन कर्मों का आश्रव नहीं हो रहा है, वो द्रव्याश्रव नया नहीं हो रहा है, ये इस कारण द्रव्याश्रव का अभाव, ये भाव भी लगा सकते हो। द्रव्याश्रव का अभाव का मतलब वो द्रव्याश्रव का अभाव, और पीछे के लिए लिखा कि द्रव्याश्रव भूता प्रत्यय, वो प्रत्यय है वो कारमान से बंधे हुए हैं, उसके साथ भी जोड़ना चाहो उसमें भी जोड़ सकते हो। इस उदाहरण को क्या ख्याल में आया?
मुट्ठी में रखे हुए विष के समान। क्या मतलब बोलो प्रवीण, प्रवीण नाम ना, प्रतीक। हाँ ना? कुछ काम नहीं करता क्यों? हाँ मुंह में रखने पर काम करता है। अच्छा क्या काम करता है? जिसने मुंह में रखा उससे पूछना क्या काम करता है। हा? सब बातें अनुभव सिद्ध होना चाहिए ना। हा? क्या होता है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, सब बातों का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ना। हा? हमारे एक अर्धशास्त्री ने एक्सपेरिमेंट कर दिया। हा? विकास शास्त्री ना भिंड का। हा? वो उसको एक दो बार उसने वो प्रयास किया था, वो सोचा मरण में कैसे लगता है देखे, एक दो बार पहले प्रयास किया। अब वो आखिरी में फिर चला ही गया। अब वो अनुभव बताने के लिए रहा कहाँ, ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करना। ये मुट्ठी में रखा हुआ विष है, क्या बिगाड़ करेगा? कुछ नहीं बिगाड़ेगा ना। कहाँ है वो? मुट्ठी में तो है ना, तो वो मुट्ठी में है ऐसा कह करके कारमान शरीर के साथ तो बंधा हुआ है, वो उसके साथ तो जोड़ते हैं, कारमान शरीर में बंधा हुआ है, हाथ में रखा है। लेकिन किसी ने हाथ में लिया हुआ हो तो कैसे दौड़ के आते हैं सब, कैसे उससे छुड़ाते हैं, क्यों छुड़ाते हैं, क्या कर रहा है, ये खा लिया तो इसे सब छुड़ा। लेकिन जब तक हाथ में है तब तक वह जैसे कुछ करने में समर्थ नहीं है, वैसे ही सत्ता में पड़ा हुआ कर्म कुछ नहीं करता है। ऐसे ही ज्ञानी के वो सब कर्म जो है सत्ता में पड़े हुए हैं, वो ज्ञानी का कुछ भी बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है, इस बात को स्वीकार करे करता है, इसलिए उसके द्रव्याश्रयों का बिल्कुल भी अभाव है। नहीं, वो आएगा तब आएगा, अभी वर्तमान में। अब आएगा ज्ञानी के, जब आएगा तब उसका लक्ष्य छोड़ करके वह अपनी आत्मा का लक्ष्य करेगा तो कुछ नहीं बिगाड़ करेंगे। आएगा उदय, उदय आएगा। काल पाए विधि झरना, तासो निज काजन सरना, तप करी जो कर्म खिपावे। तो हो सकता है अपने स्वसन्मुख पुरुषार्थ से यदि उनको खिपा दिया तो उदय में भी नहीं आए। हाँ हाँ वो करके चले जाए तो ये भी हो सकता है, पहले निर्जरित हो जाए ये भी हो सकता है, और कदाचित उदय में भी आए तो वे वैसा फल देने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, उनका लक्ष्य नहीं करेगा तो वे अपना उदय में आकर के सामान्य फल दे करके चले जाएंगे। लेकिन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बना करके अनंत संसार में भ्रमण करावे ऐसा नहीं कर सकेंगे, उसका लक्ष्य नहीं। ये अभी कलश में बात भी आएगी और इसकी उसमें चर्चा करेंगे। इस तरह हम भी, हम चूंकि शरीर से भिन्न और कारमान शरीर से भी भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा है ऐसा स्वीकार करें तो हमारा भी निश्चित रूप से द्रव्याश्रव का अभाव हो सकता है, ऐसे निराश्रव बने इसी मंगल भावना के साथ।